विनेश फोगाट के अयोग्य करार दिए जाने का मुद्दा संसद में भी उठा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 kg की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 kg होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गए। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको का प्रश्न है। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पायरिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोस कोच के रूप में उसके साथ थे। वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन सुमेर में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। और उधर कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने ओलंपिक्स कमेटी के फैसले पर सवाल उठाए और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। वी आर गेटिंग रिपोर्ट्स दैट लाइक दैट वेरी वेरी सैड मोमेंट फॉर अस बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। तो कल के तीनों बाव ठीक थे, तो ऐसे में जो फाइनल तक वो क्वालिफाई कर गई तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगे। और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा ओलंपिक्स कमेटी के फैसले को देश का अपमान बताया और सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी। गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। सिर्फ 100 ग्राम का वेट ज़्यादा हुआ है ऐसा पता चला है। बहुत ही हमारे लिए तो बहुत दुखी की घटना है। और हम जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने PT उषा जी से बात की है।
और जेडीयू के केसी त्यागी और एनसीपी शरद गुट के नेता अमोल कोल्हे ने कहा कि विनेश फोगाट के साथ धोखा हुआ है। जिस तरह से फाइनल में प्रवेश की थी उनका गोल्ड मेडल निश्चित था, रातों रात षड्यंत्र के तहत उनको ओवरवेट घोषित किया गया और इस स्वर्ण पदक से उसको पदक से उनको दूर रखा गया। मुझे निश्चित तौर पर इसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा लगता है। पहले भी ओलंपिक संघ पर समय समय पर कई प्रकार के आरोप लगते रहे हैं जिसमें ड्रॉपिंग्स के केस भी शामिल रहे हैं। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने भी इसको एक कष्टदायक घटना के रूप में स्मरण किया है। विनीत जी के साथ हुई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी देश की बहुत आस लगी हुई थी कि कुश्ती में मेडल आएगा। पहली महिला रेसलर थी जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी, तो इसमें कई जगह पे ये संदेह जताया जा रहा है कि क्या इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है। लेकिन एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि विनेश फोगाट ने अपने खेल से तमाम हिंदुस्तानियों का, भले वो अभी मेडल की रेस से बाहर हो गई हो, लेकिन उन्होंने दिल जीत लिया है। और विनेश मामले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए और इस पूरे मामले को साजिश बता दिया, साथ ही इस मामले की जांच की मांग भी कर दी। अभी सुना ही नहीं ये, मैं भी हर बार ही ओलंपिक्स में उसमें खेलों में रुचि रखता हूं, लेकिन इस प्रकार से सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए। बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी विनेश फोगाट के अयोग्य करार देने पर देश में मायूसी है। उनका परिवार भी ओलंपिक्स कमेटी के फैसले से निराश है। परिवार को आज उनसे गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन पेरिस से आई इस खबर ने उन्हें मायूस कर दिया। आपने देखा श्यामनगर तो उम्मीद जगी थी, गोल्ड मेडल की खुशी थी, एकदम दो ये घटना घटी। कहीं ना कहीं अपील की गुंजाइश है या कुछ? देखिए जो बच्चे हैं, जो बजरंग आर्शन जो मिलकर जो बात करें दोबारा, तो विनेश मिलने बाद में जो पता चलेगा।